बुरा हो चुका है और भी जीवा के साथ। वो क्या बुरा हुआ है मैं बताता हूँ। देखो शाम के 6 बज गए, अभी तो नहाए भी नहीं मैं। कैसा लग रहा है तेरे को? हैं, ठीक हो जाएंगे मेरे बेटे, सब ठीक हो जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि रात को हमने बर्थडे सेलिब्रेशन किया था और हम घर पे थोड़ा लेट आए थे, 11 बजे तक आए थे और फिर पानी वगैरह आ गया था। तो रात को मैंने फिर वो किया है, विवाह में बहुत तेज हो गया रात को, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद फिर हम रात को जेवा तो लेट सही थी, बेचारी जेवा तो 4-5 बजे सोती है, वो मैं सोया था 3 बजे सो गया था। मैं विवाह को नीचे लेकर जेवा यहाँ पर सोई थी ऊपर रूम में। ये वाला रूम की दशा देखो, और इसका भी 2-3 दिन में कम्प्लीट हो जाएगा, बस ये एक ही काम बाकी है। ये वाला कुशन लगने हैं यहाँ पे, यहाँ पे कुशन लगने के बाद फिर कंप्लीट, और यहाँ पे फिर ये तो बाद में करवाएंगे, अभी पैसे नहीं है। और ये देखो यहाँ से यहाँ का व्यू कितना शानदार मौसम हो रहा है, ऐसा होना चाहिए सिस्टम। डायरेक्ट खिड़की खोलते ही अभी तो यहाँ पे टाइल वगैरह लगी है, बहुत सारा काम बाकी है सिस्टम के साथ। और तो अभी मुझे जल्दी बताता हूँ आपको एक बार सब क्या कर रहे हैं। और मेरा अभी एक पार्सल भी आया था, ये कपड़ा आए थे मेरे लिए सूट वगैरह, तो नीचे चलते हैं। ये डाइनिंग टेबल भी रख रखी है हमने तो। और देखो सब क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। हमारी मम्मी ने तो यहाँ पे केस को मिस्टेक को रेडी किया है, और रात को क्या मजा आ गया रात को तो, और ये तो रात को सोया भी नहीं था, ये सुबह उठा सब कुछ यहीं गया था, यहीं इसको हमने गोद ले लिया। और क्या रहा बेबी, गुड मॉर्निंग। पापा का बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा था बेटा? कैसा था? एक नंबर नहीं, 2 नंबर। और इधर देखो सुबह सुबह नाश्ता चल रहा है, चावल खा जा रहा है इधर सुबह सुबह। और जेवा फीड करवा रही है, दीवान अभी सो के उठा थोड़ी देर पहले। और एक बार मैं इसको खोल के बताता हूँ आपको, और देखना कैसा लगता है। देखो मम्मी बच्चों तरह खेल रही है, मोर पंख चला है। एक इसको खोल दो, ओए खोल दो फटाफट, बता जल्दी बता फास्ट, कमेंट में बताना कैसा लगा है, और हमारा कल वाला व्लॉग कैसा लगा था। ये नाइट सूट, इसने सेम ऐसा पजामा है, पजामा है कि हाँ पजामा, एक नंबर। कैसा लग रहा भैया? 2 नंबर। मिस्टी मिस्टी हाय करो हाय। और रात को मिस्टी इतनी तेज रोई, ये पूछो मत, मतलब जिसको रोना चाहिए ना वो तो रोए, और ये रोई, बच्चे तो रो रहे, ये रोई थी क्योंकि आखिर में मम्मा इसकी मम्मी को गई है। तो गाइस सुबह से व्लॉग नहीं बना पाया, ये बहुत बुरी, मतलब वो बहुत बुरा हो चुका है, वो भी जीवा के साथ। वो क्या बुरा हुआ है मैं बताता हूँ। देखो शाम के 6 बज गए, अभी तो नहाए भी नहीं मैं। वो बुरा ये हुआ है कि जीवा अपने बालों को, मतलब वो जीवा ने अपने बालों में कुछ करवाया था पहले, तो किसी ने जिससे करवाया था उनसे वो केमिकल सही नहीं लगाया। तो अभी जीवा ने 8 दिन से बाल शेव नहीं, वॉश नहीं किया था बच्चों ऐसे, मतलब बच्चों से जल्दी नहाना करना ये करना, तो उसका डिलीवरी पता आपको, बाल भी कच्चे रहते हैं डिलीवरी के बाद। तो अभी उसके जब वो नहाए ना दिन में सुबह, तो ऐसे बाल हो गए थे पूरा गुच्छा उलझ गए थे, और पता नहीं मेरे को देखा भी नहीं गया। और अब वो थोड़ी सेड है और ऐसे बाल हो गए हैं उसके, मतलब बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। और भैया ठीक कर रहे हैं, मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया, बाकी उसको थोड़ा सा क्लिप तो डाल दूंगा मैं, और एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। और आपने देख ही लिया भैया क्या कर रहे हैं बालों में, अब क्या कर रहे हैं यार, सबको दिखाता हूँ पूरा। दिखाता अभी अभी नहीं देखा आपने, अब देखो आप पूरा सब कुछ दिखाता हूँ मैं, कैसे बाल ठीक होते हैं, कैसे क्या करता है। बाल कटवा लिए, इतने बाल करवा लिए इसने, क्या करे पर यार, पता नहीं किसने लग गई। बहुत सारे पूछता आपके बालों में क्या लगवाते हो आप, क्या करते हो आप, देखो आप ऐसा हुआ जीवा के बालों से। अब आपको पता किसी लड़की के बाल सबसे प्यारे रहते हैं उसको, अब उसके बालों को ऐसा ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा। फिर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ भैया उसके बाल ठीक कर रहे हैं, अभी तो हेयर कट करवाया, फिर बाद में करवाते हैं जो भी होगा, अभी तो हेयर कट करवाएंगे। जब तक है वो दिले और उनमें है जान। काज भी होता है तो लड़ा भी।
हेलो अबे भाई नींदों में से उठ मेरी बात ऐसा कर तो गाइस देख लो मैंने आपको आपने वीडियो देख ली बाल सही करते हुए कैसे बाल हो गए जीबा देखो थोड़ा वो तो आगो ना कैसा लगा पड़ा तेरे को हैं ठीक हो जाएंगे मेरे बेटे सब ठीक हो जाएंगे ये देखा पीछे घूम दो बेटा जी देखो कोई बात नहीं बेटा यार अरे सब हो जाएंगे ना तो अरे टेंशन लेते टेंशन लगे तुझे डॉक्टर के पास गया मैं और डॉक्टर ने मुझसे की जे बजी आप कल मरने वाली हो तो मैं ये भी टेंशन नहीं करूँ कि मैं कल मरने वाली हूँ मैं कहीं की टेंशन नहीं करता बस मैं इस इंसान की टेंशन करता हूँ क्यों आप वो गंदे इंसान है भूख लग रही है तेरे को मैं हाँ बस एक ही चिप्स लेता है बड़े पापा से गंजी कर ले गंजी ओए ओए फ्रूटी की सॉस चिप्स आ जाए तो मैं चाचल ले फुल बाल मजाक कर रहा हूँ मजाक जा रहा हूँ तो ढाबे पे खाना खाने सबको लेके
ऐसे पढ़ते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। चलो पड़ेंगे ना गाइस, ये जो शख्स है ना ये इतना हंसे आज मेरे बालों पे, तो मैंने ठान लिया है। क्या ठान लिया मैंने, रुको एक मिनट। ठीक है सो गाइस, मुझे अपने बाल क्यों कटाने पड़ गए ये अभी आपको पता नहीं होगा शायद, अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपको पता होगा। और मुझे खुद को समझ में आ रहा है कि मेरे बाल ऐसे कैसे हो गए। आई विल इसको इग्नोर करो, बहुत बढ़ रही है, जाऊँगी कल कटाने। सब बताऊंगी मैं आपको कि मेरे बाल क्यों कटवाने पड़ गए मुझे। मैं मतलब इतनी हद से ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैंने पूरे 2 साल में अपने हेयर की ग्रोथिंग को मतलब जो मुझसे हो सका वो मैंने किया कि नहीं मुझे लॉन्ग हेयर चाहिए लॉन्ग हेयर चाहिए। फिर मैंने पढ़ाए, सब कुछ करवाया, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में आके ये रिज़ल्ट मिला है मुझे कि मुझे अपने बालों को कटवाना ही पड़ा। और मैं खुशी खुशी अपने बाल कटवा रही थी क्योंकि मैं सोचा रोने से क्या होगा। ओके, फिर सबसे बड़ी बात होती है कि जिसको हम प्यार करते हैं, जो हमसे प्यार करता है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं कटने, बट अगर वही हमसे ये कर नहीं यार तुम अच्छी लग रहे हो ये वो वगैरह वगैरह, तो दुख होता है। और मुझे सच में ऐसा लग रहा था जैसे क्या ही बताओ यार, बस मुझे रोना ही नहीं आ रहा था, बाकी सब हो रहा था। और मेरे बाल मतलब अंदर से इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए कि बहुत दर्द कर रहा है। अभी मैं कंघा करके आई थी ना तो बहुत दर्द कर रहा है, मैं सोचा पोनी बांध लेती हूँ, आगे से बहुत बाल निकल रहे थे, हेयर बैंड भी बार बार निकलते जा रहा था, तो मैं सोचा पोनी बांध लेती हूँ, इसलिए मैं पोनी बांध कर रही थी। बाकी तो क्या ही बताऊँ यार आप लोगों को, बहुत ज़्यादा उलझ गए थे मेरे बाल, मतलब वो टूट टूट के जड़ों से टूट के ना तो नीचे गया, मैं जुड़ा वाने लगती हूँ आपको पता है, जड़ों से टूट के वो नीचे तो गए नहीं तो वो बीच में अटक गए, वो बीच में अटक अटक के ऐसी हालात कर ली उन्होंने कि ना तो वो सुलझने के ना वो कुछ काटने के। बहुत परेशानी है मेरे को, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से उन्होंने भैया ने सुलझाए। और क्या बताऊँ यार गाइस, मतलब मुझे खेत में भी हो रहा है कि मेरे अब मैं वीडियोस वगैरह कैसे बनाऊंगी, इतनी इतनी प्यारी वीडियोस आती थी यार लंबे बाल में, इतनी प्यारी आती थी कि इसकी हद नहीं है, बट फिर भी कोई ना कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा शॉर्ट हो गए, हद से ज़्यादा मैंने सोचा था कम से कम इतने तो आ जाएंगे, बट इतने भी नहीं आए, ये इतने ही रह गए। हेयर कट भी पता नहीं कौन सा करा है मैंने, बहुत दुख होता है यार, मतलब अपन किसी चीज़ पे इतनी मेहनत करो उसके बाद रिजल्ट ये मिले। और सच बताऊँ तो मैं अपने दोनों बच्चों की वजह से खुद पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। सन्नी बोलते ना ओ वाह बहुत अच्छा है आप तो एक बार में फ्री हो गई, अरे भाई आज तो देखो कितनी एक बार में फ्री हो गई। हाँ इन दोनों को रखना मतलब मैं रात भर नहीं सोती, मैं दिन भर नहीं सोती, कुछ नहीं कर पाती, ना ठीक से खा पाती हूँ ना पी पाती हूँ। सुबह से आज मैं सिर्फ एक ग्लास दूध पिया मैंने और आधा पराठा खाया, उसमें मैं अभी तक चल रही हूँ। सुबह से अभी तक का टाइम हो गया 9:30 बज चुकी है, थोड़ी 10 बज चुकी है और मैं अभी तक उसमें ही चल रही हूँ। बाइक ब्लॉग बातें उनको आप मैं आपको बाद बताऊँगी, अभी 11 बजे हो रही है। तो ओके गाइस, आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन आने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आ जाए हमारी वीडियोज़ के। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, लव यू, बाय।